हेदा लवीज, हाउ वी वॉल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं आज क्या है मैसेज ऑफ द डे मेरे व्यूवर्स के लिए। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। क्या मैसेज आ रहा है आज यूनिवर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो वो बिल्कुल आप अपने मन में रख के क्वेश्चन करिए। देखते हैं डिवाइन आपको इस वक्त कौन सा एक स्पेशल मैसेज, कौन सा एक गाइडेंस देना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, डिवाइन गाइड करें और बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। डेली रीडिंग्स के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल क्लिक हो जाए। डिवाइन गाइड करें और बताएं क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या इंडिकेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए। फुल मून आने वाला है, सभी लोग फुल मून के लिए रेडी रहिएगा, रिचुअल करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। अभी से ही मैंने रिमाइंडर डाल दिया है सब लोगों के लिए, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज बिल्कुल मत रहिएगा। फुल मून रिचुअल्स आपको ज़रूर करना है फॉर विश फुलफिलमेंट। चलिए, सारे कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं, बॉटम डेक का मैसेज भी हमारे पास आ गया है। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि आज का दिन यूनिवर्स आपको क्या एक मैसेज, क्या एक संकेत देना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात तो भाई, आज बहुत सारे लोग काम के प्रति बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं, वर्क लाइफ में बहुत बिजी दिखाई दे रहे हो, वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है, जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा इंडिकेशन है आप लोगों के लिए। सबसे पहला मैसेज मुझे ये दिखाई दे रहा है। नंबर सेकेंड, मुझे लगता है कि वर्क लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, आप कुछ चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फियर में हो या डर रहे हो, या आपको रिजल्ट्स का बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, कब तक बेटर होगा, होगा नहीं होगा, मतलब आप एक ऐसे स्ट्रेस वाले माहौल में या एक स्ट्रेस वाले जोन में दिखाई दे रहे हैं, जो आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है या जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। जिस भी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो, परेशान मत रहो, थोड़ा अपने सेल्फ़ पर ध्यान दो, अपने सेल्फ लव को समझो और अपने सेल्फ़ पर फोकस करो। जितना आप अपने सेल्फ़ पर फोकस करोगे, चीज़ें आपके लिए उतनी पॉजिटिव रहेंगी, चीज़ें आपके लिए उतनी फेवरेबल रहेंगी और चीज़ों से आपको उतना ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ना किसी खोज में लगे हुए हैं कि कब चीज़ें बेहतर होगी, कब अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे, कब अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड मत फील करो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है सेल्फ़ पर ध्यान दो। जब सेल्फ़ पर ध्यान दोगे तो सेल्फ़ की भी हीलिंग एक्सपीरियंस करोगे, सेल्फ़ में भी बहुत सारे चेंजेस एक्सपीरियंस करोगे और कहीं ना कहीं खुद को भी बहुत अच्छा लगने वाला है। डरो मत क्या होगा क्या नहीं होगा, या तो वर्क लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा फियर में हो, स्ट्रेस में हो, जिसकी वजह से परेशानी दिख रही है, लेकिन एज़ पर द टैरो रीडिंग्स मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे स्टेबिलिटी बनेगी, धीरे धीरे ग्रोथ बनेगी, धीरे धीरे चेंजेस दिखेंगे। बस चीज़ों के प्रति ज़्यादा ओवरथिंक ना करें, अपने सेल्फ पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप अभी अपने सेल्फ पर ध्यान दोगे तो जिस भी चीज़ का स्ट्रेस है, जिस भी चीज़ की घबराहट है, जिस भी चीज़ को लेकर डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उससे आप ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाओगे। तो आज के दिन का मैसेज है, परेशान ना हो। अगर हेल्थ में परेशानी हो रही है, हेल्थ में बेटरमेंट दिख रहा है, डरिएगा मत। अगर कुछ लोग थर्ड पार्टी से डर रहे हैं या रिजल्ट से डर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल मत डरिए। अपने सेल्फ़ वर्थ को समझें और अपने काम पर फोकस्ड रहें। जिस भी चीज़ को ढूंढ रहे हो, जिस भी चीज़ की खोज में हो, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आपको अपने आप स्टेबिलिटी मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं 12:12 पर नई रीडिंग के साथ, नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।